अंतर है? देखो भैया, अनादिकाल से मौन मतलब क्या है? अपन अनादिकाल से अपनी पकड़ काहे की है? अनादिकाल से अपनी पकड़ क्रियाओं की, मन वचन काय की क्रियाओं को ही जीव ने पकड़ा। तो जब इस जीव से मौन की बात करी जाती है तो ये मौन मतलब शब्दों की क्रिया को पकड़ता, और कौन शब्दों की क्रिया को पकड़ता है? जो भाषा वर्ण रूप शब्दों की क्रिया होती है ना, उसे पकड़ता। तो भाषा वर्ण रूप शब्दों की क्रिया को पकड़ने के कारण से ये क्या करता है, मौन में मुंह को बंद कर लेता। और ये बात पक्की है कि यदि मौन में मुंह बंद हुआ है तो मुख के हलन चलन से जितने, क्योंकि क्रिया बंद हुई, जितना आश्रव हो रहा था उतना आश्रव नहीं होगा। मुंह बोलने वाला आश्रव, बोलने में जो हिंसा हो रही है या बोलने में जो भाषा वर्ण को अपन खिला रहे हैं, तो वचन योग हो रहा है, वचन योग रूप हिंसा बंद हो जाएगी मुख से बोलने रूप। लेकिन इसमें एक संधि ये है कि मुख से बोलना तो बंद हो गया, वचन रूप क्रिया तो अपन ने बंद कर दी, लेकिन अंतर में जो भाव क्रिया है, जिसे कहते हैं अपन मन, भाव मन, लेकिन विचारों का ताता नहीं रुकता हुई। और एक बात ये पक्की है कि इस संसार में जब तक जीव है तो उसे कोई ना कोई विचार तो चलेंगे। आज विज्ञान भी कह रहा है कि 24 घंटे में जीव को 70-80 हजार विचार चलते हैं भाई। और ये संख्या जो विज्ञान 24 घंटे कह रहा है, ये संख्या एक घंटे से भी कम की है, क्योंकि जीव को निरंतर विचार चल रहा है। अब जीव के पकड़ में आए या ना आए वो बात अलग है, तो जीव निरंतर विचार कर रहा है, विचारों के समूह का नाम ही मन है। तो जीव पुरुषार्थ कहाँ करता है? जीव बाहर से मुख पे पट्टी बांधने का पुरुषार्थ तो करता है, मुंह पे पट्टी बांध के मौन होने का पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन कभी अपने परिणामों की संभाल करने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। उसे क्रिया रूप पुरुषार्थ तो दिखाई देता है कि मुंह पे पट्टी लगा लो या आज मौन का संकल्प ले लो तो क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। लेकिन मुंह बंद हो गया, मुंह पे टेप लगा लिया, मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसको ये भाव जो आत्मा भाव पर भाव भाव शरीर आत्मा है ना, द्रव शरीर शरीर ये जो अपने बाहर दिखाई दे रहा, लेकिन भाव शरीर ही आत्मा है ना, तो उसे कभी भी अपने परिणामों की संभाल का बोध नहीं आता। बोध नहीं आता मतलब क्रिया को ही मौन मानता है, द्रव क्रिया को ही, बाहर से मुंह के परिणाम को बंद करके उसी को मौन मानता है, लेकिन अंतर में क्या हो रहा है भैया, अंतर में जो निरंतर विकल चल रहा है ना, उनसे कभी मौन नहीं होना चाहता। कारण क्या है? कारण क्या भैया? क्योंकि जीव की दृष्टि हमेशा पर्याय के परिणाम पे रही, बाहर की जो स्थूल पर्याय का परिणाम चल रहा ना, मन वचन काय का, शब्दों का, भाषा वर्णा का, इस बाहरी परिणाम पे ही जीव की दृष्टि रही। और भैया जब इस जीव की दृष्टि इस बाहरी परिणाम से हटके, जब जीव अपने आप को आत्म स्वीकार करे, वस्तु स्वभाव का चिंतन करे, तब वो अंतर मन से मौन होना चाहे। आपने प्रश्न किया है कि भैया अंतर से परिणाम क्यों नहीं संभलते, अंतर से मौन क्यों नहीं होते? भगवान जी, अंतर से वो व्यक्ति मौन होता है, सावधान, अंतर से वो व्यक्ति मौन होता है जिसे अपने कल्याण की भावना, वो तो बाहर से बोलते हुए भी अंतर से मौन हो जाता। अंतर से मौन हो जाता मतलब किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करता, किसी के बारे में अनर्थ का विचार नहीं करता, अर्थात किसी पदार्थ में ईष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं लगाता। मौन होना मतलब क्या है? अपन ने कई बार पहले भी चर्चा करी है, मौन होने का मतलब यह है अपनी अंतर की मिथ्या मान्यताओं से मुक्त होके सर्वज्ञ जिनेन भगवान जैसा विचार कर रहे हैं वैसा विचार करना मौन होना। अपन कितने बार उपदेश में पढ़ते हैं कि वीतरागी भावलिंगी मुनिराज बोलते हुए भी मौन है। क्यों मौन है भैया? क्योंकि वो बोलते हुए भी अपने मन की, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं बोल रहा है। यदि कोई भव्य आत्मा, कोई भव्य भावलिंगी मुनिराज सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा हुआ उपदेश बोल रहे हैं, भगवान प्रणित वचन बोल रहे हैं, तो वो बोलता हुआ मुनि भी मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि वो अपनी बात नहीं बोल रहा, वो सर्वज्ञ की बात बोल रहा है। तो जो सर्वज्ञ की बात बोल रहा है वो निस्वार्थ भावना से, निर्दोष भाव से, बिना किसी राग देश के, वो जैसा वस्तु का स्वभाव वैसा वस्तु का स्वभाव बोल रहा, तो वो बोलता हुआ व्यक्ति मौन है।
अब वो बोलता हूं व्यक्ति मौन क्यों है, क्योंकि उसके परिणाम पवित्र है भाई, उसने अंतर की संभाल करी, उसका उपयोग कसायों की चपलता में बहने वाला उपयोग नहीं है भाई। उसका उपयोग क्रोध मान माया लोभ ये अनंतन बंदी जो कसा है, अप्रत्याख्यान वर्णन जो कसा है, इन सबका अभाव करके प्रत्याख्यान वर्णन आदि कसाय सबको छोड़ के उनको उपयोग शुद्ध निर्मल स्फटिक मणि के समान प्रकाश वाले सदुपयोग की आनंद को लेने वाले वो जीव है। यदि वो छठे गुण स्थान में आके बोलते भी हैं तो भगवान के वचन बोलते हैं, जैसे त्रिगुप्ति के धारी हैं। तो अपने को जो भाव होते हैं वो अंतर्गुप्ति के नहीं होते, अंतर्गुप्ति के मतलब वचन गुप्त करना, मतलब भैया झूठे वचनों को छोड़ देना, संसारी भी कथाओं को छोड़ के आत्मकथा में आ जाने का नाम मौन है। तो आज तक अपने पास मौन की परिभाषा ही नहीं आई, परिभाषा ही नहीं आई, मतलब हमने बाहरी जड़ क्रिया को ही मौन माना, मौन व्रत किया, मौन साधना करी भैया, मौन होने का प्रयास किया, मैंने मुंह बंद किया भैया, मुंह बंद करने के साथ साथ यदि परिणामों में विशुद्धि ला के अपने अंतर स्वभाव का चिंतन करके आत्म स्वभाव की सूरत बढ़ाते अपन, तो वो बाहर का मौन अंतर के मौन में सहायक होके, क्या वो बाहर का मौन अंतर के मौन में सहायक होके आपको मुनि जैसा अनुभव कराता भाई, निर्दोष चारित्र का अनुभव कराता, मतलब बाहर के प्रपंच से छूट के मौन होने से बहुत ऊर्जा बचती है। यदि अंतर विचार शुभ हो तो अशुभ विचार तो फिर नहीं बचती। यदि कोई जीव मौन है और अंतर में उसके विचार पवित्र है, जनवाणी का चिंतन है, तत्व का चिंतन है, तो बहुत ऊर्जा बचती है। क्यों? क्योंकि ये जीव मुंह से बोल रहा है ना, मुख से बोल के अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी खत्म कर देता। यदि आप मुंह से मौन हो जा, मुख की क्रिया को बंद कर लो और क्या बोलते हैं अंतर में भी परिणाम विशुद्धि हो, तो आप देखो आपके शरीर की बहुत ऊर्जा बढ़ती है, अंतर मन की निर्मलता होती है, और फिर आप ध्यान करने बैठो, फिर आप सामायिक करने बैठो, तो सहज ही अंतर की शक्ति उछलती है, अंतर का वीर उछलता है, क्योंकि आत्मा शक्ति पुंज है कि नहीं है, उसकी शक्ति आप बाहर परिणमित होने से रोक दोगे तो पूरी शक्ति अंतर में काम आएगी। लेकिन किसके काम आएगी? आत्मार्थ जीव, आत्मार्थ जीव के काम आएगी, संसारी जीव इन बातों को नहीं समझते। और कुछ प्रश्न उठाना चाहे कोई यहाँ हमसे तो उठा सकता है, स्वागत। भैया जी, जैसे मौन की पहचान ले ली हमने, मौन ले लिया और मंदिर में गए और मंदिर विधि वगैरह कर रहे हैं, बोल रहे हैं, धर्म चर्चा कर रहे हैं, तो क्या उसमें दोष नहीं लगेगा? यदि मौन का नियम लिया आपने, मौन का संकल्प लिया है और आप धर्म उपदेश बोल रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो दोष नहीं। जिनवाणी के लिए कोई वो नहीं। हाँ, यदि भी कथा कर रहे हो, राग रंग की बातें कर रहे हो, यहाँ वहां के कुछ भी कर रहे हो, तो फिर दोष। और कोई कुछ पूछना चाहे इस विषय पे? चलिए, लगता है ये विषय आपके सामने क्लियर है। और कोई का नया कोई प्रश्न हो? दीपक दीदी, कुछ पूछना? नहीं, वही पूछ रहे थे कि क्लियर कि अब जैसे अपन मौन है, कोई ने बोले कि शास्त्र पढ़ रहे हो तो हमें भी सुना दो, जम के पढ़ने लगो, तो अपन जैसे मौन लिए हैं तो सुना सकते हैं, जनवाणी सुना सकते हैं, जनवाणी सुना सकते हैं, जनवाणी के संबंधित उदाहरण दे सकते हैं उस बात को समझाने के लिए। यदि कोई वस्तु इस तरह से सामने, आप जनवाणी सुना रहे हो और सामने वाले कोई जिज्ञासा आ जाए, तो उसके लिए आप लोग की उदाहरण देके भी समझा सकते हो। अभिप्राय में अपने अभिप्राय में सिर्फ अपना कल्याण और पर जीवों का कल्याण, ये बात दो चीज हमेशा याद रखो दीपिका दीदी। अभिप्राय में स्व कल्याण के साथ पर कल्याण की यदि भावना है तो कहीं कोई दोष नहीं, और अभिप्राय में स्व कल्याण और पर कल्याण इन दो को छोड़ के यदि और कोई भावना है तो हमेशा दोष है। आप शास्त्र पढ़ रहे हो, आपका मौन का नियम है, आप चैत्यालय में नहीं बोलते, आप अखंड मौन लेते हो। यदि कोई धर्म, कोई जीव धर्म की बात पूछ रहा है, क्रियाओं की नहीं, मंदिर में जो हो गया कि नहीं हो गया, जो हो गया कि नहीं हो गया, तुम जहाँ गए थे कि नहीं गए थे, वो भैया जी यहाँ से आ गए कि नहीं आ गए, वो महाराज जी वहां से आ गए, ये नहीं,
शुद्ध जनेन्द्र भगवान की वाणी, तत्व चर्चा, भक्ति, भक्ति मतलब वो गाने वाली नाचने वाली भक्ति नहीं, जैसे मंदिर विधि हो रही है वो भक्ति, और धर्म उपदेश जो मंदिर विधि ने धर्म उपदेश दिया है, यदि सर्वज्ञ प्रणित अरिहंत भक्ति या फिर किसी जीव की संबोधन की भावना चल रही है, मान लो कोई समाधि ले रहा है, किसी की समाधि मरण चल रहा है और आपने तो नियम लिया है 2 घंटे का मौन, अब मान लो आपका 2 घंटे का मौन है तो ये वो तो 48 मिनट में खिसक जाएगा, तो क्या आप उस संबोधन नहीं करोगे? ऐसा नहीं होता। ये जैन धर्म क्रिया प्रधान नहीं है, इस बात को अपने को हमेशा नोट करके रखना है। ये जैन धर्म स्व पर कल्याणकारी है भैया, स्वयं का कल्याण तो होता ही है पर के लिए भी उपकारी है, तो ये बात याद रखें। यदि किसी के संबोधन करने का अवसर मिलता है, धर्म उपदेश, मंदिर विधि, मान लो मंदिर में कोई नहीं, आपने मौन ले लिया और आपसे कहें मंदिर विधि करनी है, तो क्या फिर आप धर्म उपदेश छोड़ दोगे क्या? ऐसा नहीं होता। तो जो स्व पर के हित के लिए कल्याणकारी है वो कार्य जिन आगम में सर्वोपरि है, इसलिए यहाँ क्रियाओं की महत्ता नहीं है, यहाँ ज्ञान की महत्ता है। यदि आपको सच्चा ज्ञान है तो आप उस अनुरूप आत्म लक्ष्य से, स्व कल्याण के लक्ष्य से या पर जीव के उपकार कल्याण के लक्ष्य से, लौकिक कल्याण नहीं, ये तो मोड़ा मोड़ी की चर्चा करने बैठ जाओ या फिर लड़ाई झगड़ा की चर्चा करने बैठ जाओ, भी कथाओं में बैठ जाओ, आत्म प्रयोजन भूत स्व पर के कल्याण के निर्माण के लक्ष्य से बिल्कुल निर्दोष है भैया, कोई दोष नहीं। और कोई कुछ कहना चाहे इस विषय पे या अन्य विषय पे और कुछ लेना चाहे? पूरे 15 मिनट है अपने पास, कहीं रिपीट करी रही। अगला क्वेश्चन? नहीं, चले अब किसी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे, तो प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक के इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भैया, सम्यक दर्शन को पहचानने का हर जीव का अपना अलग अलग नजरिया होता है। चरणानि योग अपनी दृष्टि से देखता है, कर्णानि योग अपनी दृष्टि से देखता है, प्रथमानि योग अपनी दृष्टि से देखता है, सबकी दृष्टि अलग अलग है, और द्रव्यानि योग की दृष्टि एकदम द्रव्य स्वभाव से देखती है। तो चरणानि योग जब जीव में सम्यक ढूंढता है, चरणानि योग की दृष्टि से जब कोई श्रावक, चरणानि योग नहीं ढूंढता, चरणानि योग सिद्ध है, चरणानि योग की दृष्टि से जब कोई देखता है कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, हूँ कि नहीं हूँ, तो कैसे देखेगा मुझे? वो मुझे देखेगा कि मेरे पास भैया सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा है, क्या मैं कुदेव अदेव और मिथ्या देव के पास जाता, यही तो देखोगे आप। चरणानि योग की दृष्टि से कैसे देखोगे? चारित्र से देखोगे, चारित्र से देखोगे तो क्या देखोगे आप मेरे अंदर में? सबसे पहले देखोगे, अरे क्या देखो 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 देखो, इनके पास आस्था है कि नहीं है, और आस्था कैसी, सम्यक है कि मिथ्या है? तो आप जैसे ही मेरी आस्था का परिचय लोगे तो मेरे अंतर का हृदय तो आपको दिखाई देगा नहीं, तो आप बाहर से देखोगे कि भैया जी कहाँ दर्शन करने जाते हैं, अदेव के, कुदेव के, मिथ्या देव के, इनके दर्शन करने तो नहीं जाते। यदि भैया जी अदेव कुदेव और मिथ्या देव के दर्शन करने जाते हैं तो ये तो चरणानि योग कह रहा है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। अच्छा भैया जी, सच्चे देव गुरु धर्म के साथ अलावा कहीं दर्शन ही नहीं करते, तो अस्थि के आस्थावान अर्थात ये, हाँ ये जनमत के अनुसार ये तो सम्यक दृष्टि जीव दिखाई देते, ये तो और किसी को मानते नहीं है, मिथ्या देवों की चर्चा ही नहीं करते, आगम के विपरीत शब्द ही नहीं बोलते, कुदेव अदेव की चर्चा ही नहीं करते, संसार में होने वाले कोतूहल की बात ही नहीं करते, सबको झूठा आडम्बर कहते हैं, तो ये बात तो साची साची है क्या कि भगवान जी अस्थि के गुण चरणानि योग का ये चैप्टर आपको दिखाएगा कि भैया के जी के जीवन में या कोई भी आपके जीवन में आया, आपके सहयोग में हो, इनके जीवन में तो हमें सम्यक का अंश दिखाई देता है, ये है चरणानि योग भैया। तो भैया प्रसम आप देखोगे, अरे भैया जी बहुत तीव्र क्रोधी तो नहीं, इनका क्रोध कैसा है, क्षणिक है या मन में कसाए बांधे रहते हैं? अरे प्रसम गुण तो बताता है, क्या बताता है कि सम्यक दृष्टि कसायों को शांत करने वाला होता, कसायों में बहता नहीं है, देखो तो इनकी अनंतनमन तो नहीं चल रही, किसी से बैर विरोध तो नहीं चल रहा, समाज में दो संघ आपस में लड़ा तो नहीं रहा, सालों से बैर तो नहीं बांध के बैठे, देखो भगवान जी अंतर में कसायों का समन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, क्रोध मान माया लोभ ये चार कसायों में बह तो नहीं रहे, अनंत अनुबंधी कसाय तो नहीं दिख रहे इनके जीवन, 6 महीने से ज्यादा कोई बड़े उपद्रव तो नहीं जानने में आ रहा है। यदि आप ऐसा देखोगे तो भैया प्रसम के प्रसम गुण को देखना पड़ेगा, कसायों को उपशांत करने वाला, कसायों की मंदता में रहने वाला जीव ये देखेगा चरणानि योग।
स्वभाव होना चाहिए, 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन होना चाहिए, सप्त व्यसनी नहीं होना चाहिए, 5 पापों में रुचिकर नहीं होना चाहिए, ये सब प्रसम गुण से देखोगे आप। ये आस्तिक से देखोगे, प्रसम से देखोगे, फिर अनुकंपा देखोगे, अरे देखो तो छना हुआ पानी पी के रात्रि भोजन का त्याग करके देखो चल रहे के चलते कि नहीं चलते, 6 काय के जीवों पर अनुकंपा आती कि नहीं आती, घर में संगी पंचेंद्र जो जीव रहते हैं माता पिता पुत्र परिवार इनके प्रति पट्टी कि नहीं पट्टी, इन जीवों से बेर विरोध तो नहीं है, इन्हें मारने काटने का भाव तो नहीं आता, घर में आपस में बनती कि नहीं बनती, सभी जीवों को एक समान देखते कि नहीं देखते, अनुकंपा है कि नहीं इनके पास, व्रत संयम नियम लेने के भाव है कि नहीं, देख के चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो भैया क्या ग्रहण कर रहा है ये देखना पड़ेगा, होटल पे खड़े होकर खा तो नहीं रहे, कहीं जीवों का कलेवर तो नहीं खा रहे, दुइंद्रिय जीवों की विराधना करने में रस तो नहीं ले रहे, देखना पड़ेगा इन्हें सभी जीवों के प्रति अपने आत्मा के साथ साथ 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा है कि नहीं, और यदि अनुकंपा है तो भैया जी भैया सही है, और यदि नहीं है अनुकंपा, 6 काय के जीवों की प्रार्थना में आनंद ले रहा है, हिंसा नंदी रोध ध्यान में डूबे हुए है, यहाँ वहां की भी कथाओं में बढ़िया पगला रहे हैं, तो अरे भैया यहाँ तो मायाचारी मायाचारी है, तो ठीक है, तो जे यदि ऐसा दिखाई दे रहा है तो अब आपको पता लग जाएगा कि भैया जी सही है कि गलत। अब भैया अंत में क्या आएगा बताओ, एक कौन सा रह गया, चलिए बताओ कोई बताएगा कि नहीं, पहले बताओ सुन रहा है कि सो रहा है, सो रहा है भैया सर ना, संवेग रह गया भैया, संवेग, चलो संवेग रह गया, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे दीदी जग रहा है मतलब, हाँ दीपक दीदी बताओ संवेग का मतलब क्या हुआ, स्वयं वेगी संवेग अर्थात स्वयं निश्चय अर्थ व्यवहार, आगे जी बीना मतलब मंगला दीदी बताओगे संवेग मतलब क्या, ना कोई नहीं बताया था, चलिए संसार में रुचिवान नहीं होना भैया जी, बहुत बढ़िया जी संसारी कार्य में बहुत शानदार, व्यवहार स्वावेगी स्वयं के प्रति वेगवान होना और संसार के प्रति उदासीन, आत्म कार्य में उत्साहित और संसार कार्य में बिल्कुल वैरस वैरंग, ये रुचि चाहिए, आत्म कार्य में तो बढ़िया बहुमान करता हो, आत्म कार्यों में तो बिल्कुल अंतर से प्रसन्न रहता हो, आत्म कार्यों में तो अंतर से बिल्कुल बहुमान पूर्वक अपने अंतर उत्साह पूर्वक जुड़ता हो, लेकिन भैया बाकी संसार कार्यों में जिसको रुचि ना लगी हो, स्वयं के प्रति वेगवान, कैसा वेगवान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए उत्साहित, और संसार के प्रति बिल्कुल वैरंग, वैरस मतलब संसार का कार्य अपनी तत्समिकी योग्यता से हो रहा है ऐसा स्वीकार करने वाला, संसार में रंच मात्र सुख नहीं है, ऐसी श्रद्धा जिसके अंतर में काम कर रही है उसका नाम है भैया सम्यक दृष्टि चरणानि योग के अनुसार, मतलब चरणानि योग इन लक्षणों से पहचानेगा, चारित्र अपेक्षा से देखेगा आपको, और चारित्र अपेक्षा से देख के आपको सिद्ध कर देगा, यदि चारों लक्षण आप में दिखाई दे रहा है, अनुकंपा दिख रही है, आस्तिक दिख रहा है, संवेग दिख रहा है, और एक कौन सा रह गया, अरे प्रशम भैया जी, हाँ बहुत बढ़िया जी संजली दीदी, मेमोरी बिल्कुल शार्प ऐसी ही रहे कि जिसके पास प्रसम दिख रहा है, चारों भूमिकाएं जिसमें शुद्ध दिख रही है चरणानि योग समय दृष्टि देख के, अच्छा इस ये चारों लक्षण जहाँ दिख रहा है वहां समय दृष्टि जी मान के आप वो हो या ना हो, यदि चारों लक्षण आपको ये दिखाई दे रहा है बाहर व्यवहार में तो सम्यक दृष्टि जीव मान के आप उसके साथ सम्यक दर्शन जैसा व्यवहार कर सकते हो, मतलब आप उसे आहार करा सकते हो, आवृत्ति श्रावक मान के उसे आहार करा सकते हो, उसको सब कर सकते हो, उसके प्रति बात्सल्य रखने का भाव आता है, क्यों, क्योंकि चरणानि योग के चारों लक्षण में, तो यहाँ इस प्रकार से लक्षण पहचान के भैया अंतर में स्वा के लिए, आज हमने व्यवहार में घटाया पूरा, ये चारों लक्षण अंतर में स्वा के लिए
और व्यवहार में श्रावक की पहचान करने के लिए बिल्कुल यथार्थ देखे जा सकते हैं। अब निश्चय से कई बार चर्चा करी हमने इनकी, आज व्यवहार से चर्चा कर दी। यदि व्यवहार से चार लक्षण दिख रहा है तो व्यवहार में आप उसे श्रावक मान सकते हो, तो श्रावक मान के उसके साथ श्रावक जैसा व्यवहार कर सकते हो। श्रावक के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? वात्सल मैत्री भाव में, अर्थात मेरी पूरी संपदा भी नष्ट हो जाए तो श्रावक को, भाई को, भाई से बढ़कर होता है श्रावक, पूर्व परिवार भी, पूरे परिवार की संपदा भी, पूरे परिवार के सुख भी खत्म हो जाए तो भी श्रावक को ये दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा, धर्मात्मा के प्रति अत्यंत प्रीति, चरणानुयोग के चारों लक्षण देख के धर्मात्मा के प्रति अत्यंत वात्सल्य का भाव, अत्यंत प्रीति जिनके मन में आती है भगवान आत्मा, वो जीव नियम से चक्रवर्ती इंद्र धरेंद्र नरेंद्र ये सारे पद उनके लिए होते हैं। धर्मात्माओं को देख के प्रीति, जितने भी उत्कृष्ट पद हैं वो सिर्फ धर्मात्माओं के प्रति प्रेम के कारण है। धर्म के प्रति प्रेम तो निर्माण का हेतु है ही, लेकिन धर्मात्माओं के प्रति प्रेम इस संसार की सारी उत्कृष्ट संपदा को आपके चरणों का दास बना देता है। ऐसी व्यवस्था है भाई। चलिए, और कोई का कोई प्रश्न हो? दो तीन मिनट और शायद शेष है, लास्ट प्रश्न ले सकते हैं किसी का, यदि हो तो वेलकम, स्वागत है, और नहीं तो 24 थाना जी अपना आगाज करने के लिए तैयार है। हम बीना जाते हैं ना जब, तो शाम को किसी ने हमारी बीना की क्लास देखी हो तो एक दिन में, एक क्लास में 1.5 घंटे 2 घंटे तक भी बोले प्रश्न खत्म नहीं होते, पर जब हम झूम पे बैठते हैं ना तब प्रश्न आते ही नहीं है। ये गजब की बात है, हर जगह का अलग अलग वातावरण मिलता है देखने को। चलिए अपन चलते हैं 24 प्रणा जी के, 24 प्रणा ग्रंथ जी के वाचन की ओर।